हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, IB71 का ट्रेलर देखा मैंने अभी। लेट मी टेल यू, एक्सीलेंट ट्रेलर, एक्सीलेंट विद्युत जामवाल एंड एक्सीलेंट अनुपम खेर साहब। दोस्तों, दिस इज द फीलिंग दैट आई गॉट आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर ऑफ IB71। सबसे पहली बात तो आप देखो, ट्रेलर को एक इंटरनेशनल लुक एंड फील है। इनफैक्ट मुझे आर्गो जैसे फिल्म का याद दिलाया। एंड लेट मी टेल यू, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। What is that true event, दोस्तों? One of the most daring, the most brilliant, the most covert, the most smartest operation carried out by our agencies, by Indian intelligence, in fact, by any intelligence agency in the world, मैं कहूंगा। How that daring mission, that daring operation won India the 1971 war, one of Indian intelligence's best kept secrets, दोस्तों, and did Pakistan ever find out about it? And if they did, will they actually admit how we outmaneuvered, outsmarted them? You know, how through this daring operation, how we outsmarted our sworn enemies and they couldn't even cry about it. वो बोलते हैं ना दोस्तों हिंदी में कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। यार मतलब वही एक फीलिंग, वही एक सुपर्ब एक जर्नी पे लेके जाएगा ये फिल्म। वो झलक, वो ग्लिम्स एंड वो प्रॉमिस, वो इंडिकेशन, वो संकेत देता है ये ट्रेलर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो फीलिंग मिला मुझे ट्रेलर देख के, ऐसा एक फीलिंग मिला कि भाई द फिल्म विल बी ग्रिपिंग, इट विल बी थ्रिलिंग, इट विल बी टेंस, देयर विल बी टेंस मोमेंट्स दैट विल कीप यू ऑन टेंटर हुक्स, दैट विल कीप यू ऑन योर टोस, प्लस इट विल बी एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, द थ्री इज एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, एक्साइटमेंट, ये सब कुछ आपको मिलेगा फिल्म में। वो संकेत देता है ये वेरी वेरी nicely well made well cut trailer। दोस्तों यार, वो मिशन कैसे सक्सेसफुली ऑपरेशन में डाला, कैसे उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, वो जानने का एक्साइटमेंट मैं आपको बताता हूं। इनफैक्ट वो जो एक डायलॉग है ट्रेलर में कि एयर स्पेस हम ब्लॉक करेंगे, अरे कैसे, मैं जब वो सुना आई वॉज लाइक अरे हाउ। सो वो एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा जगाता है ये ट्रेलर। तो कैसे किया ये सब, तो वो जानने के लिए भैया फिल्म तो देखना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। वो फीलिंग भी पैदा करता है ये ट्रेलर, वेरी वेरी नाइस दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया लगा। एंड प्लस वो एरा को जिस तरह से रिक्रिएट किया दोस्तों, चाहे एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हो या कॉस्ट्यूम्स हो या कलर ग्रेडिंग हो या VFX हो, बहुत बहुत बढ़िया किया यार, सुपर। सो सुपर ट्रेलर, सुपर थ्रिल, सुपर टेंशन, सुपर एक्साइटमेंट, एवरीथिंग दैट यू विल गेट टू सी इन द फिल्म इज व्हाट द ट्रेलर प्रॉमिसेस। एंड ऑफ कोर्स, लाइक आई सेड, दैट मोस्ट डेयरिंग मिशन, द मोस्ट ब्रिलियंट मिशन कैरिड आउट बाय आवर एजेंसी, द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, वो कैसे किया होगा वो जानने का एक मजा जरूर आएगा। देखने में बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया लगेगा जब आप फिल्म देखोगे, तो वो इंडिकेशन, वो संकेत, वो प्रॉमिस भी देता है ये ट्रेलर दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स विद्युत जामवाल, यार लेट मी टेल यू, इट्स अ नेवर बिफोर सीन रोल, इट्स अ नेवर बिफोर सीन अवतार ऑफ विद्युत जामवाल। ही स्टेप्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, इट्स एन अनकन्वेंशनल रोल, एंड लेट मी टेल यू, ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, लाइक आई सेड अर्लियर, एक्सीलेंट इन द ट्रेलर। सबसे पहली बात तो उनका अलग अलग शेड्स, जो उनका जो एक्टिंग का अलग अलग शेड्स है वो आपको दिखाई देगा इस ट्रेलर में। यू नो, ही स्लाई, ही इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट, ही हैज अ प्लान, एंड एट टाइम्स ही इज देर इज दिस वल्नरेबिलिटी ऑल्सो अबाउट हिज कैरेक्टर दैट विद्युत हैज सो नाइसली पोर्ट्रेड, बट एट द सेम टाइम देर इज ऑल्सो दिस कन्विक्शन, he has also got this conviction, and then at times he is this mastermind with ease. तो ये अलग अलग शेड्स जिस तरह से दिखाए, प्लस द इंटेंसिटी इन हिज बॉडी लैंग्वेज, यार वो इंटेंसिटी कैसे दिखाए मैं आपको उसका एक झलक कहां आपको मिलता है मैं बताता हूं। ट्रेलर में जब वो बत्ती बंद चालू होता है, बस आप विद्युत की आंखों में देखना, द इंटेंसिटी इन हिज आईज स्पीक वॉल्यूम्स एट दैट टाइम। सुपर विद्युत जामवाल, सुपर रहेगा उनका परफॉर्मेंस, वो इंडिकेशन, वो संकेत भी देता है ये ट्रेलर। एंड देन ऑफकोर्स यू हैव अनुपम खेर साहब एज द सीनियर एजेंट। यार खेर साहब के बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जब भी खेर साहब आते ना, वो सीन ना एलिवेट हो जाता है, एक अलग लेवल पे चला जाता है। दैट इज हिज स्क्रीन प्रेजेंस, दैट इज द मैजिक ऑफ हिज डायलॉग डिलीवरी। इनफैक्ट हिज स्क्रीन प्रेजेंस इज सो कमांडिंग इन द ट्रेलर दैट इट जस्ट ग्रैब्स योर अटेंशन। And then, of course, when he delivers those dialogues, it's so mesmerizing that you are absolutely hooked and booked. And so, how Kher Saab and Vidyut Jamwal combine forces in the film to execute this absolutely daring, brilliant, smart, covert mission, वो देखने का एक मजा तो रहेगा ही रहेगा, no doubt about it, दोस्तों. And let me tell you, गाजी अटैक के जो director है, उनका film है ये, उनका direction है, तो obviously our hopes are absolutely high, दोस्तों. I am going with 4 stars out of 5, extremely impressed with the trailer of IB71, looking forward to the film, looking forward to watching the story, the screenplay, that will be absolutely thrilling and exciting, I'm sure, and of course the performances by Vidyut Jamwal, Anupam Kher Saab will be brilliant, no doubt about it, and the rest of the star cast, very very excited, दोस्तों. आपका take लिखकर बताना, आपको कैसे लगा IB71 का trailer?
वो जो स्टोरी है, वो जो ट्रू इवेंट वाला स्टोरी है, वो जानने का एक जिज्ञासा, एक एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी है कि नहीं? एंड विद्युत जम्वाल और अनुपम खेर साहब को देखने का भी एक एक्साइटमेंट है कि नहीं? लिखकर बताइए. एंड ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी, वो भी आप दे सकते हो. चलिए फॉर द मोमेंट, एंड ऑफकोर्स चलिए फॉर द मोमेंट बोलने से पहले मैं और एक चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, ये फिल्म ना एक सल्यूट भी होगा टू द ब्रेवरी, टू द डेयरिंग, डेयर डेविलरी, एंड टू द टैलेंट ऑफ ऑल आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड आवर इंडियन फोर्सेस, सो टू स्पीक. सुपर होगा. एनीवेज दोस्तों, आपका टेक लिखकर बताइए. चलिए फॉर द मोमेंट टाटा.